यहाँ आओ। क्या हुआ साहब? कहाँ जा रही हो? तारीख पे आई हूँ साहब। ठीक है जाओ। सुन बे, अगर वो बच के निकल गया तो नरसिंह का भाई हमारी खटिया खड़ी कर देगा, हमें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। आपके रहते शिव मनी तो क्या एक मच्छर तक नहीं गुजर सकता है। चढ़ा मत बे। अदालत तक नहीं पहुंचना चाहिए। ए, बाहर देख। यहां नहीं है। अरे ये क्या? फाइल ला मेरी। साहब जी, उसे क्या वकील समझ रखा है मेरी तरह से? मैजिस्ट्रेट है, नहीं रुकेगा वो। कहीं फंस गया। मैंने उसे कहा था कि आज कोर्ट आ जाना, लेकिन वो नहीं आया। मजाक बना दिया तुम लोगों ने। मेरा बैग अंदर रख दो। ठीक है सर, बस थोड़ी देर रुक जाते। और वो फाइल देना। शक्ल नहीं देखनी उसकी मुझे। यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें वकील के नहीं अब दुआओं की जरूरत है। साहब, कोर्ट में बहुत खतरा था। देखो, अंदर तो बिल्कुल भी मत आना तुम। आज कोर्ट में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा के रख दी गई। तुम तो अब बड़े आदमी हो गए हो ना, मेरी क्या जरूरत है? चले आते हैं बेकार में परेशान करने के लिए। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? उन्हें पता चल गया था कि हम लोग कचहरी आने वाले हैं। उन्होंने हमें देख लिया था। मैं नहीं चाहता था कि अदालत में कोई भी दंगा फसाद हो। इस मुसीबत से आप ही हमें बचा सकते हैं। अब मैं कैसे बचा सकता हूँ? हमारे पास एक जमीन है जिस पर उनकी नजर है। मैं उन्हें वो जमीन दे दूंगा। सिर्फ इंस्पेक्टर से बात करके मेरे बेटे को केस से बचा लीजिए। जज साहब ने बताया कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। नर्सिंग मर्डर केस। सर, अक्यूज्ड इज द माइनर, दैट इज द व्हाई, द प्रॉब्लम इज द केस इज द। एक मिनट, ये कोर्ट है, हिंदी में बात करो सर, ताकि मुझे भी समझ में आए। सॉरी सर, सॉरी सर, जिसकी हत्या हुई वो पहुंचा हुआ आदमी था। मान लिया, लेकिन जो कोर्ट में सरेंडर कर रहा है उसी को क्यों पकड़ रहे हो? तुम्हारा इस केस से क्या फायदा है? सर, नरसिंह का परिवार उस लड़के को ढूंढ रहा है ताकि वो उसे मार सके। अपनी इज्जत के लिए वो कुछ भी करेंगे। उसे बचाना मेरी ड्यूटी है सर, दैट्स द व्हाई। इन सब के पीछे शिवमनी की जमीन ही है, बात सही है ना? सर, अगर वो पहले ही दे देता तो दो लोगों की जान क्यों जाती? उनसे कहो इसके लिए पंचायत से बात करें। सर, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ सर? देखो, उनके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो पंचायत में जमीन लेकर इसको यहीं खत्म करें, या फिर शिवमनी के बेटे को मारने की कोशिश में नरसिंह का पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। इसका भी अंगूठा लगवाओ। हाँ हाँ, तुम भी लगाओ। अब तुम सब लोगों को पंचों की बात माननी होगी। हमने तो पहले भी मानी थी। तुझे कुछ कहना है? अपन पहले ही बोल चुका है, अपन राजी है, तुम लोग फैसला सुनाओ। साहब, गांव के हजारों लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, जिससे गांव वाले और उनके बच्चे भूखे नहीं मरते, और पंचायत है कि इनकी तरफदारी की जा रही है। ए सुब्बा, चुप बैठना तू। हम यहाँ मामला उलझाने नहीं, सुलझाने के लिए आए हैं। तू जबरदस्ती की बात बढ़ा रहा है। पंचायत का फैसला हम लोग मानेंगे। तो तय हो गया, इनके पास यही जमीन थी। नरसिंह की मौत के बदले शिवमनी जमीन दे रहा है, और किसी की मौत का हर्जाना जमीन नहीं होती। जबकि शिवमनी के बड़े बेटे को मरवाने की वजह से ही नरसिंह की मौत हुई। न्याय तो ये कहता है कि तुम्हें शिवमनी को हर्जाना देना चाहिए। छोटे बेटे को बचाने के लिए वो अपनी जमीन तुम्हारे नाम कर रहा है। देखो, तुम इस केस को खारिज कर देना। जी सर। इस मर्डर की जिम्मेदारी शिवमनी ले रहा है। अब इस हत्या को लेकर कोई भी उसके छोटे बेटे को हाथ नहीं लगाएगा। एक काम करो, इसके बेटे को बोलो कि आके हमारे पैर पड़े। है? वो जमीन भी दे और तुम्हारे पैर भी पड़े? वो ऐसा करेगा तो केस बंद कर दोगे? बिल्कुल नहीं सर। तो बोलो ना इन लोगों को। मेरा बेटा किसी के पैर नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, सिर्फ उसे पंचों के सामने बुलवा लो। अरे वहाँ पुलिस वाले भी बैठे हैं यहाँ, उन्होंने पकड़ लिया तो। अरे मन्नू, कैसी बात कर रहा है तू यार, मुझ पर भरोसा रख। भरोसा और पुलिस वाले पर? अरे तुम लोग घबराओ मत, हमारी तरफ से तुम लोग बेफिक्र रहो, लेकिन पुलिस वालों की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। शिवमनी को बोलो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, कानूनन जमीन हमारे नाम नहीं होगी। हाँ, मेरे को मालूम है, किसके नाम करना है? दगड़ू, हमारा नौकर, इसके नाम पर कर दीजिए। ए चिंता बड़ी बेटा, किधर जा रहा है? अरे तुझसे ही बात कर रहा हूँ, किधर जा रहा है?
थोड़ा घूम के आता हूँ। चुपचाप बैठ जा, कहीं मत जा। पेशाब करने जा रहा हूँ। दूर बच्चा ले जाना। बहुत मेहरबानी साहब। रो मत, ये तुम अपने बेटे के लिए कर रही हो। जाओ। चलो काम खत्म हुआ। साहब बड़ी आसानी से ये लोग मान गए। हाँ चिंता तो मुझे भी हो रही है, होशियार रहना। तुम सरेंडर करने तक अपने बेटे को बचा कर रखो। एक काम करो, अपने बेटे को सुरक्षित जगह पहुंचा कर मुझे मेरे घर पर मिलो। अभी जाना जरूरी है क्या? एक रात रुककर कल सुबह चले जाते? नहीं, जाना जरूरी है। जाने से पहले चिंतामणि को समझा देना, उसको कहना रोज स्कूल जाए। ठीक है। हम लोग पंडित जी से कहकर एक पूजा करवा लेते हैं, ये भला टले। ईश्वर हमारे परिवार की रक्षा करे। तुम उसको यहीं छोड़ के गए थे ना? छोड़ा तो यहीं पर था, पर वो एक जगह रहता कहाँ है, यहाँ वहाँ घूमता रहता है। पंडित जी चिंतामणि कहाँ है? अरे पेशाब करने गया है। चिंता, ए मनु मामा, कब से तुम लोगों को ढूंढ रहा हूँ, कहाँ चले गए? दगड़ू, अब तुम्हें क्या चाहिए? जमीन तो दे दी ना। अरे जमीन मुझे नहीं चाहिए। ये लो। क्या? ये लो कागज। मैंने पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए काम किया, यहाँ तक कि अपना हाथ भी गवा दिया, बदले में मुझे क्या मिला? वो लोग मेरे ही जान के दुश्मन हो गए हैं। जब तुम लोग पंचायत में थे ना, उन लोगों ने चिंतामणि को पकड़ लिया था। जिस जगह तेरे बेटे ने नरसिंह को मारा था ना, उसी जगह उसे पटक पटक कर मार रहे हैं। जा उसे बचा ले। अपने लोगों को इकट्ठा करो। इतनी जल्दी मार देगा क्या? इस पिल्ले को तड़पा तड़पा के मारूंगा। वेंकटेश, इसे इतनी बुरी तरह से क्यों मार रहा है? जब मेरे भाई को मारा था तब चुपचाप तमाशा देख रहा था, अब क्यों मुंह फाड़ रहा है? तुम पंचों का अपमान कर रहे हो। अरे पंचायत की इज्जत को अपनी जूती पर मारता हूँ, आज इस पिल्ले का मरना था। ये सिर्फ तुम्हारा नहीं गाँव का मामला है, आज के बाद हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अरे अगर तुमने पंचायत की बात नहीं मानी तो तुमको और तुम्हारे परिवार को गांव से निकाल दिया जाएगा। गांव वालों, इसके मामले में मत पड़ना, इस पूरे परिवार ने गांव के नाक में दम कर रखा है। राजेश
चिंता जा यहाँ से। छोड़ दे। मैं अकेले नहीं जाऊँगा। मत कर। तू जा यहाँ से। नहीं बाबा, साथ चलेंगे। इसे यहाँ से जाने दे। अपने आदमियों को बोल। मैं मर जाऊँ चलेगा, पर इसे छोड़ना मत। लड़ने नहीं आए हैं, बस तुम्हें हमारे लोगों को छोड़ना होगा। अगर तुम लड़ने नहीं आए तो ये हथियार लेकर क्यों आए हो? वो एक बच्चे को मारने के लिए गुंडे लेके आता है और तुम लोग खड़े होकर देख रहे हो जैसे कोई नाच गाना चल रहा है, और हम लोग हथियार भी ना लेके आए। ये दो परिवारों के बीच की लड़ाई है। उन्होंने हम लोगों को मारा है तो हम लोग उन्हें छोड़ देंगे क्या? तुम्हारे परिवार से तो एक ही मरा है, यहाँ तो बहुत मरे। ये भी हमारी गलती है क्या? पंचायत का फैसला किसने तोड़ा? ये देखो बच्चे का क्या हल किया उन लोगों ने। मर ही जाता वो। तुम अपने निजी मामले को जात पात में बदल रहे हो, ये ठीक नहीं है। अंजाम जानते हो? जब ये लोग बच्चे को मार रहे थे तब तुमने उन लोगों को क्यों नहीं रोका? तुम कैसे कह सकते हो हमने नहीं रोका? अगर तुम्हें लगता है ये दो परिवारों के बीच की लड़ाई है तो जाने दो, अगर तुम्हें इसे दो जातियों के बीच की लड़ाई बनानी है तो हम भी तैयार रहेंगे। फिर तुम गलत समझ रहे हो, मेरा ये मतलब बिल्कुल। उस दिन गाँव के लोगों ने फैसला किया कि वो अमीरी और गरीबी के फर्क को मिटा देंगे और खून खराबा नहीं होने देंगे, और एक साथ मिलजुल कर प्यार से रहेंगे। अपनी बहन और माँ का ख्याल रखना अब तो ये उनका सहारा है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बाबा, नहीं कर पाऊंगा। तो कर लेगा। नरसिंह ने मेरे भैया को मारा, ये बात पूरे गांव को पता थी, फिर भी पुलिस ने उसे कुछ नहीं किया, तो उन्हें मारने पर हम क्यों जेल जाए बाबा? और मेरी गलती की सजा आप नहीं भुगतेंगे। मैं आपको जेल नहीं जाने दूंगा, मैं जेल जाऊंगा। जेल जाने की तेरी उम्र नहीं है। गाँव की ज्यादातर जमीन पर नरसिंह का कब्जा था, उसकी 10 पीढ़ियां खा सकती थी, लेकिन ज्यादा की हवस में पूरा परिवार ही खत्म हो गया। तू ये गलती मत करना। क्या लाए भैया? मामा मुझे भूख लगी है। भैया इसे कुछ दिला दो। आजा अभी दिलाता हूँ। तेरे भाई को ढूंढने में पुलिस ने हमारी कोई मदद नहीं की, ये पुलिस की गलती है। तेरे भाई की मौत के सदमे से हम तेरी ठीक से परवरिश नहीं कर पाए, ये हमारी गलती है। अगली सुनवाई तुम्हारी है, जल्दी आओ। जब तेरे साथ अन्याय हुआ तो तूने वही किया जो तुझे ठीक लगा, लेकिन उनसे बदला लेने का सिर्फ यही तरीका नहीं था।